हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं हेल्दी गुड़ और ड्राई फ्रूट के लड्डू। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इससे हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया 1 कप गुड़। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ पानी। पानी मैंने अंदाजे से 1 कप ही डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसे पका लेते हैं। इसे हमें उबाल आने तक ही पकाना है, इसकी चाशनी हमें नहीं बनानी। देखिए एक उबाला आ गया, अब हम इसे छान लेते हैं। गुड़ में जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो सब छन जाएगी। देखिए हमने गुड़ को छान लिया। अब हम एक ग्राइंडर के अंदर ले लेते हैं 1 कप चने। ये मैंने रोस्टेड चने लिए हैं। 1 कप मखाना और 1/2 कप बादाम। इनको हम दरदरा पीस लेते हैं। देखिए पीसने के बाद हमारा दरदरा सा पाउडर रेडी हो गया है। अब हम एक ले लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैंने डाले हैं 2 से 3 चम्मच देसी घी। उसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये जो मैंने दरदरा सा पाउडर रेडी करा था वो। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए ही हमें रोस्ट करना है। देखिए अब इसका धीरे धीरे कलर जो है चेंज होने लग गया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं नारियल का बुरादा। ये मैंने 1 कप नारियल का बुरादा लिया है, वो भी मैं इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए और रोस्ट कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच तिल। तिल हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनमें बहुत सा कैल्शियम भी होता है, हमारी हड्डियों के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब लास्ट में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गुड़ का पानी जो हमने रेडी करा था। मैं फिर बता देती हूँ, हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ उसका एक सिरप टाइप बनाना है। गुड़ डालने के बाद देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है हमारे लड्डुओं का। हमारा मिक्सचर जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब लास्ट में इसमें फ्लेवर देने के लिए मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, ये टोटली ऑप्शनल है। इलायची पाउडर डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब नीचे उतार कर इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और ऊपर से मैं डाल देती हूँ थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट। ये डालने के बाद भी इसे मिक्स कर देंगे। इनसे बहुत ही क्रंची सा टेस्ट आएगा हमारे लड्डू में। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे अब हम शेप देने के लिए रख देते हैं। देखिए थोड़ा सा मैंने मिक्सचर ले लिया है हथेली पर और इसे राउंड राउंड करके मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ। हमारे लड्डू जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसे आप सर्व करें, बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाएं और बताएं हमें कैसा लगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज के साथ बने रहें। बाय बाय।